दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हो गया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्ट लाइफ हेल्टेक में। मेरा नाम दिलशाद और आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले इंग्लिश टिनू ब्लास्ट का मैच नंबर 54 जो कि दोस्तों खेला जाने वाला DUR वर्सेस NOR के बीच में। अगर आप सोच रहे हैं इस मैच में अपनी फंटेसी टीम बनाने के लिए तो मेरे भाई बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आ चुके हैं क्योंकि आपको यहाँ पे इस मैच से रिलेटेड दोस्तों फुल एनालिसिस मिलने वाला है। अगर आप दोस्तों एग्री हैं यहाँ पे टीम बनाने के लिए इस मैच में पूरे तरीके से दोस्तों सोच रहे हैं कि यार इस मैच में हमें विन करना है तो यार वीडियोस को आपको कम्प्लीटली देख लेना क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलने वाली है जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है फंटेसी एप्लीकेशन पे एक मैच में टीम बनाने से पहले। बात करते हैं ये मैच स्टार्ट कब होगा। दोस्तों ये मैच जो है फिलहाल आज के ही डेट में यानी कि 6 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 11 बजे रात में खेला जाएगा और दोस्तों आपको 10:30 बजे जैसे ही टॉस होता तो अपडेट और फ्री टीम जो होती है चेंजमेंट होते गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो फर्स्ट कमेंट्स बॉक्स में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में होता है। अब दोस्तों बात करिए मैच स्टार्ट किस ग्राउंड में हो जाएगा। सीट यूनिक रिवर साइड और चेजेस्टर दोस्तों ली स्टेट में होने वाला है। अगर हम बात करेंगे इस स्टेडियम का जो फिलहाल एवरेज स्कोर रहता है 140 का दोस्तों, तो मतलब ये बैलेंसड पिच रहने वाली है और बैलेंसड पिच में हमें टीम किस प्रकार से बनाना होता है वो बात करेंगे आगे। तो अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई कर दीजिए। अब बात करते हैं जहाँ पे बॉलिंग ऑर्डर के बारे में और बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन के बारे में। दोस्तों बात करें यहाँ पे DUR टीम की जो प्लेइंग इलेवन रहने वाली है ये आप देख सकते हैं, ग्राहम वर्क, लेकलिस, माइकल जोनस, ओलियस रोबिनसन, एस्टन टर्नर, बैस डुलिस, वैनी पनेल, लियम ट्रस, ट्रविस किस, बेन रेनी, नेथन स्वेडर और यहाँ पे लोक रोबिनसन दोस्तों, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें जो इस टीम के लिए स्टार्टिंग की ओर कराते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ट्रविस किस और यहाँ पे वैनी पनेल आपको स्टार्टिंग की ओर कराते दिख जाएंगे, मतलब कि 1 से 2 बार दोस्तों, ठीक है। पहला और दूसरा पावर प्ले में आपको वैनी पनेल, लियम, ट्रविस किस और यहाँ पे बेन रेनी मिलने वाले हैं। डेथ में आपको बेन रेनी एंड वैनी पनेल इस टीम के लिए। अब दोस्तों सामने टीम की बात करते हैं NOR टीम के प्रोबेबल प्लेइंग के बारे में, जो कि NOR टीम के प्लेइंग क्रिस लिन, रिचार्डो, वेस कॉनलेस, डेविड वैली तीसरे नंबर पर आएंगे, मतलब कैप्टन भी है टीम के और साथ साथ दोस्तों बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिले, जोश कॉप, सैफ जैब, लेविस एमसी, मानस, टॉम टेलर, एडोटाइज, जेम्स एल्स और यहाँ पे बेन फेडरसन, फ्रेडी हेल्टेज दोस्तों, मतलब इस टीम से आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। अब दोस्तों बात करें इस टीम की जो बॉलिंग ऑर्डर, मतलब कौन सा बॉलर कब स्पेल कराते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज में आपको ये तक बताऊंगा कि किस ओवर में जैसे कि 10वां और 11वां 12वां ओवर में दोस्तों कौन सा बॉलर तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों, ठीक है। मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए बाकी, जिससे कि हम और भी यूनिक टीम बनाएंगे और अच्छा एनालिसिस मैं आपको और प्रोवाइड करने वाला, बेस्ट देने की कोशिश फुल करूंगा आप लोगों के बीच में। बेन सैंडरसन, डेविड विले ये आपको इस टीम से स्टार्टिंग को कराते दिखाई देंगे, पावर प्ले में एडिटाइड डेविड मिलर और डेविड विले सॉरी और यहाँ आपको बेन सैंडरसन मिलेंगे, डेथ में आपको डेविड विले, टॉम टेलर। देखिए बेन सैंडरसन स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं, पावर प्ले में भी आ रहे हैं, डेविड विले देखिए पावर प्ले भी आ रहे हैं, डेथ में भी आ रहे हैं, साथ साथ स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बात करके यहाँ पे आगे जो और अपडेट रहने वाले इस टीम का वो जान लेते हैं और फिलहाल जो आपने मेरे भाई अभी तक अगर आपने बैट बॉल 11 को डाउनलोड नहीं किया मेरे भाई तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी सेविंग कहाँ हो रही है किस एप्लीकेशन पे तो भाई आप लोग खेलना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं फिर, क्योंकि अगर आप देखते हैं बैट बॉल 11 पे अगर मैं खेल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं खेलता हूँ 525 रुपये वही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, आप अदर एप्लीकेशन पर 575 रुपये देते हैं, मेरे कितने सेविंग होते गए आपके अकॉर्डिंग 50 रुपये और आपके 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये सोचिए मैं बैट बॉल पे अपना 50 रुपये सेव कर रहा हूँ। अगर मैं 1599 की लीग खेल रहा हूँ तो आप अदर एप्लीकेशन में 1749 की खेल रहे हैं और मेरा सेविंग कितना हो रहा है दोस्तों 150 रुपये और आपका 150 रुपये फालतू में जा रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो एंट्री फी का कंपैरिजन है बैट बॉलर पे तो सबसे बेस्ट है भाई, तो डाउनलोड कीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और दोस्तों आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं कितनी सेविंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक प्रकार से दोस्तों आपको पता है सेविंग करना भी विनिंग करने जैसा ही होता है, समझ गए होंगे। बात करके यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच किस प्रकार से रहने वाली है, सीट यूनिक रिवर साइड, चेस्टर और लिस्ट रेज जो कि दोस्तों ग्राउंड रहने वाला है कुछ पूरी तरीके से बैलेंसड रहने वाला है। पेसर के लिए यहाँ पे एडवांटेज है दोस्तों, पेसर के साथ साथ यहाँ पे स्पिनर भी कुछ कम नहीं करने वाले, स्पिनर को भी ठीक ठाक हेल्प मिलने वाली है, मौसम ठीक ठाक रहने वाला है। लास्ट 5 मैच अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड रहा है टोटल विकेट दोस्तों 71 रही है, मतलब 71 विकेट गिरी है 5 मैचेस में लास्ट के, जिसमें पेसर को 36 मिली और स्पिनर को दोस्तों 35, तो मतलब समझ सकते हैं दोनों को इक्वल अमाउंट्स मिल रहे हैं, मतलब दोनों को बराबर के हेल्प मिली है। और एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पे इस ग्राउंड का 139 मतलब कि 140 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। जब दोस्तों 140 के आसपास है तो यहाँ पे हम किसी बैट्समैन को क्रिस लिन को कैप्टन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो भी आके बात करेंगे। देखिए फिलहाल बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रिसेंट फॉर्म है दोनों टीम का, DUR टीम जो रिसेंट 5 मैच खेल करके आ रही है जिसमें कि 2 विन है 3 लॉस है, बाकी NOR टीम की बात करते हैं 5 मैच में 1 विन है 4 लॉस है, तो समझ सकते हैं कि मतलब DUR टीम थोड़ा सा ठीक कर रही है रिसेंट परफॉर्मेंस, बट होप मुझे लग रहा है NOR टीम को इस मैच में विनिंग मिल जाएगी। एंड आपको क्या लग रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगेन
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। दोनों टीम के बीच में टोटल जो है दोस्तों 9 मैच खेले गए, जिसमें की अगर हम बात करें यहाँ पे डीयूआर टीम ने 4 विन करे और एनओआर टीम ने 5 विन करे। तो आपको क्या लग रहा है, डीयूआर टीम यहाँ पे बराबर कर देगी या तो फिर एनओआर जो एक और अपना पॉइंट्स विनिंग का बढ़ा लेगा? तो मुझे लग रहा है एनओआर टीम यहाँ पे मैच को निकाल सकती है, होप। बट आपको क्या लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर अपनी राय प्रोवाइड करें। और मेरे भाई अगर आप मुझे जानते हैं तो यार क्या जानते हैं मेरे बारे में, ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से मतलब मेरा स्टेट्स क्या है गाइस, वो आप लोग कमेंट्स करिए। देखता हूँ गाइस आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं जानते। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल के बारे में। देखिए लीस को आउट केक ने किया गाइस एक बार ही, और यहाँ पे जी क्लार्क को सैंडरसन ने भी आउट किया, फेडरिक्स ने भी आउट किया, और यहाँ पे जी वाइट ने एक एक बार आउट किया गाइस, और यहाँ पे जेकॉब ने भी आउट किया। तो जी क्लार्क थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। एम जोनस को दोस्तों यहाँ पे जेकॉब ने एक बार आउट किया, क्रिस लिन को दोस्तों बेस्ट डिलीज ने एक बार आउट किया, डेविड डुलो को बेस्ट डिलीज ने और वैन एपल ने दोनों में मिलकर एक एक बार आउट किया गाइस। जेसन कॉब को यहाँ पे बात करते हैं, इन स्वेटर ने दोस्तों एक बार आउट किया, और यहाँ पे सैफ जैब को ए टर्नर और बी रैन दोस्तों आउट करें, क्योंकि टर्नर भले बैट्समैन है बट पार्ट टाइम बॉलिंग भी दोस्तों करा रहे हैं। यहाँ पे टॉम टेलर को दोस्तों इन शॉर्टर ने आउट किया है दोस्तों, जो कि एक बारी। ठीक है, तो ये था प्लेयर बैटल। बाकी कुछ मैटर यहाँ पे इस मैच में दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि कुछ करने वाला है, प्लेयर मैचअप उतना ज़्यादा, बट आप लोग देख लीजिए आप लोगों के लिए। बट मेरे भाई आप देखिए क्यों खेलेंगे आप बैट बॉल पे, वो बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है बहुत ही गजब का। कोई भी प्रॉब्लम तो आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं, एंट्री फी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है, मतलब बहुत ही लो मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ग्रांड डिपॉजिट ऑफर चलता है, मतलब बहुत ही बढ़िया आप समझ सकते हैं। उसके बाद डेली फ्री गिवेज दोस्तों मिलते हैं आपको यहाँ पे हर मैच में, इंस्टेंटली विड्रॉल तुरंत आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, डिस्काउंट भी चलता रहता है, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप गेम लूडो वगैरह खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं मेरे भाई। तो फटाफट डाउनलोड करिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस एप्लीकेशन की भी दोस्तों टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर के बारे में, किस हिसाब से उनका स्टैट्स, किस हिसाब से रिकॉर्ड है। देखिए बात करेंगे डीयूआर टीम के सबसे पहले प्लेयर के बारे में, लीज की बात करते हैं कि रिसेंट इनका परफॉर्मेंस जो कि इस प्रकार से है, 9-28, 13-90, 37 और हेड टू हेड दो मैच में 41-41 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे 5 मैच में 106-35 करोड़ से बैटिंग करते हैं। टीम सिलेक्शन की बात करें गाइस तो इनके साथ जो ओपन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड पहले जानते हैं। ग्राम क्लार्क जो कि रिसेंट 10-26, 29-0, 102 हेड टू हेड 7 में जो 243-40 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे 23 मैच में 523-35 करोड़ से बैटिंग करते हैं। बात करें गाइस यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के दोनों ओपनिंग करते हैं साथ में। और फिलहाल सिलेक्शन की बात करें गाइस तो जहाँ तक मुझे लगा, देखिए दोनों ठीक ठाक कर रहे हैं परफॉर्मेंस, बट हेड टू हेड की बात करते हैं तो यार इनका गजब है, उनका भी ठीक ठाक है, ग्राउंड भी दोस्तों को दोनों का सेम है। तो होप रिसेंट दोनों फ्लॉप हुए लास्ट वाले मैच में, तो एक को सिलेक्शन के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। बाकी क्लार्क को आप देख रहे हैं कितने बॉलर्स आउट कर रहे हैं, वो भी आपने देखा है 3-4 बॉल सामने टीम के, तो रिस्की भी हो सकते हैं। तो इनको आप रिस्क लेने साइड ड्रॉप करने के तो कर सकते हैं। माइकल जोनस की बात करते हैं, 21-43, 26-43 इनका रिसेंट है, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, मतलब कि ठीक ठाक पॉइंट्स आपको देकर के जाएंगे। दो मैच खेले सामने टीम के, इसमें 30 रन है, 15 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पर 8 मैच में 192-27 करोड़ से बैटिंग करते हैं। रिसेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं, एंड फिलहाल ग्राउंड पे देखिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड फ्लॉप है थोड़ा सा 15, मतलब फिर भी 15 का रन दोस्तों, अगर 15-20 रन बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये फिर से हमें 20-25 पॉइंट देकर के जाएंगे, तो आप रख सकते हैं इनको। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ओलिवर रिबनसन की, तो देखिए 69-39, 50-64 इनका बहुत ही गजब का फॉर्म है, बट यार जो सामने टीम के गेम्स में परफॉर्मेंस है भाई बहुत ही खराब है, दो मैच में 7 रन है, 3 की ओर से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे 7 में 254-22 करते हैं, ग्राउंड पे ठीक है, बट यार सामने टीम का जो बॉलिंग लाइनअप है एनओआर टीम का, तो वो आप देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बॉलर्स एंडरटाइव और भी जो बॉलर्स है गाइस जो कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराते हैं ग्राउंड पे, उनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है फिर बंदर रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, रिसेंट तो यार इतना अच्छा कर रहा है कि मनी नहीं कर रहा ड्रॉप करने का। बाकी आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैट्समैन दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करके जाता है वो फ्लॉप हो जाता है अचानक से। टीम में दोस्तों ट्राई करेंगे, चलिए टीम में हम ट्राई कर लेंगे। बाकी मैं तो कहूँगा यार रिस्क जहाँ तक लेना चाहें तो रख सकते हैं, मतलब ड्रॉप कर सकते हैं रिस्क लेकर के, बाकी क्या आपकी मर्जी है वो आप दोस्तों सोच सकते हैं। यहाँ टर्नर की बात करते हैं, टर्नर देखिए 46-12, 27 एक विकेट, 7-0 फिर 0 हेड टू हेड, एक मैच में 21, दो में 2 विकेट हैं, ग्राउंड पे 4 मैच में 54 रन, 18 से बैटिंग करते हैं, दो मैच में 1 विकेट है। बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों दोनों कर लेते हैं, बट बॉलिंग देखिए रिसेंट कराई नहीं है, और अगर हम बात करें पूरे स्पेल मिलते हैं कि नहीं, तो यार पार्ट टाइम 1-2 ओवर स्पेल उससे ज़्यादा नहीं, और स्टार्टिंग वाले मैच दोस्तों जो है यहाँ पे 3 ओवर कराए थे, रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी ठीक ही रहेंगे। वर्ने पनेल की बात करते हैं, रिसेंट देखिए 3 मैच हैं जिसमें कि 3 विकेट हैं, ग्राउंड पे 4 मैच 3 विकेट हैं, हेड टू हेड में पहला ही मैच होगा। उसके बाद बेस्ट डिलीज की बात करते हैं, 3-0, 2 फिर यहाँ पे 13-0, 1 फिर 2 हेड टू हेड दोस्तों पहला ही मैच होगा, ग्राउंड पे 1 मैच में 13 रन है प्लस 2 मैच में 2 विकेट हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस्ट डिलीज से पहले बैटिंग करने आ जाते हैं, मैं आपको इनका बैटिंग और थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बाकी सिलेक्शन किसका करेंगे दोनों को दोस्तों मैं लेकर के नहीं जाऊँगा। तो मैं जहाँ तक समझूंगा कि हम बेस्ट डिलीज को जहाँ तक लेकर जा सकते हैं, बट इनका बॉलिंग कुछ खास नहीं है, बैटिंग इनको मुझे बैटिंग से भी कुछ खास नहीं हो रहा, तो यार बेस्ट हमारे लिए परनेल रहने वाले,
लीड को आप ड्रा कर सकते हैं सभी के टीम में रहने वाले। लियम ट्रोवेकिस की बात करते हैं, सीरीज में देखो दो मैच में लगातार कोई विकेट नहीं, फिर एक, फिर जीरो, फिर दो, हेडवर्ड टीम में 48, छह मैच में 5 विकेट है, ग्राउंड टू 19 में 13 विकेट है, तो कुछ खास नहीं दोस्तों, इनको भी ड्रॉप कर जा सकते हैं, मिलेगी दोस्तों तो बहुत मुश्किल से एक विकेट, उससे ज्यादा दोस्तों मिलने वाले नहीं इनको। अगेन बढ़ते हैं यहाँ पे जो और प्लेयर रहने वाले, देखिए आपको नथन स्वेटर की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे देखिए 0, 2, 1, 1, 5, मतलब ये बंदा ठीक है, विकेट मिलेगी तो हाईएस्ट मिल सकते हैं। हिटवेट दोस्तों पहला ही मैच होगा ग्राउंड पे 5 में 6, तो रख लीजिए आप इस प्लेयर को। बेन रहने की बात करते हैं, रिसेंट देखिए 0, 2, 2, 3, 1, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट हिटवेट 6 में 3 है ग्राउंड पे 17 में 19, ग्राउंड के अकॉर्डिंग ठीक है, रिसेंट भी ठीक ठाक कर रहे हैं, विकेट मिलेंगे तो 1 से 2, अदरवाइज फिर दोस्तों फ्लॉप ही हो जाएंगे, ये भी सोच लीजिए, अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर सकता हूं इनको। ल्यूक रॉबिन्सन की बात करते हैं, देखिए पहला मैच उन्होंने 2 विकेट है, हिटवेट का दोस्तों पहला ही मैच होगा, रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि यार अभी सिलेक्शन का काम होगा जीएल में, कि नहीं तो आप स्मॉल लीग और हेडटू दोस्तों इनको जरूर लेकर जाइएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं जो और प्लेयर रहने वाले इस टीम के लिए बेंच वो जान लेते हैं, क्योंकि अचानक से कोई प्लेयर आएगा तो आपको उसके पहले में दोस्तों मैं सब बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर अगर आता है तो किसको रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा जोनाथन बसनेल, जो कि कुछ खास नहीं है बट ग्राउंड पे 1 मैच उन्होंने खेला, 25 रन बनाए, हेड टू हेड का पहले मैच होगा, रिसेंट दोस्तों उन्होंने मैच खेला नहीं है, बट बैटिंग ऑर्डर देखेंगे उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्रेंडन गुलर जो कि आपको पता है बढ़िया बॉलर दोस्तों, अगर हम बात करें इनका रिसेंट तो देखिए 3 में से 2 विकेट इनको मिल गई है, हेड टू हेड उनका पहला मैच होगा, टीम में आता है तो फिर मैं रखने के लिए सोचूंगा। डेविड बिडिंगम जो कि रिसेंट अगर आप देखते तो कोई मैच नहीं है, हेड टू 4 मैच 55, 13 करोड़ से बैटिंग करते, ग्राउंड पे 11 मैच पे 188, 27 करोड़ से बैटिंग करते, बैटिंग ऑर्डर दोस्तों इनका भी ठीक है, देखना पड़ेगा वो टेलीग्राम चैनल पर अगर आते हैं तो। लुक डिमेटली 2, फिर यहाँ पे कुछ इनका खास नहीं है तो ड्रॉप अप इनको करके जा सकते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं और फिलहाल सामने टीम के बारे में बात करते हैं, यानी कि NOR टीम से हमें किन किन प्लेयर को लेकर जाना ठीक रहेगा और उनका स्टैट्स क्या है मेरे भाई। रिचार्डो वास कोनेलिस की बात करते हैं, देखिए रिसेंट 44, 65, 5, 52, हेटर टीम में 190, 63 करोड़ से बैटिंग करते हैं और ग्राउंड पे 1 मैच 78 रन दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अभी तक इनको टीम में लोग लेकर जाएंगे बट कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क नहीं ले, बट यार रिकॉर्ड देखिए किसके हिसाब से, मैं तो वाइस कैप्टन बनाऊंगा बट आप सोच रहे हैं बैलेंस शीट पीछे तो क्यों इनको वाइस कैप्टन बनाना मेरे भाई। देखिए आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि 140 से 145 या 150 का एवरेज स्कोर रहता है तो उस ग्राउंड पे बैट्समैन बल्लेबाजी नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है बिल्कुल नहीं होता ऐसा, अगर आप ये सोच रखते हैं तो फिर आप गलत सोच रखते हैं। मैं इनको वाइस कैप्टन करूंगा और आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी स्टैट्स दोस्तों आप देख ही रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। क्रिस लिन की बात करते हैं, 8, 110, 7, 31, 0, 28, तो इनका एक ही अच्छा स्कोर आया है, बाकी अभी तक फिलहाल 30 से प्लस नहीं आया, ठीक है। हेड टू 3 मैच में 148 से 48 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे 1 मैच में 61 रन है, तो दोस्तों मैं इनको कैप्टन ट्राई करूंगा, एक टीम की बात बता रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोस्तों कब करूंगा, जब चेसिंग करनी हो, जब टीम चेस करेगी दोस्तों तब मैं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगेगा फिर नीचे तक थोड़ी सी बैटिंग आएगी, समझ सकते हैं आप, क्योंकि एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग ये जहां तक चेस कर जाएंगे दोनों के दोनों ठीक ठाक बैट्समैन है। डेविड वेली की बात करते गाइस, देखिए 20-0, फिर यहाँ पे 20-1, फिर यहाँ पे 33-2, 31-1, 1-0, फिर यहाँ पे 36-1, इनका रिसेंट फॉर्म मतलब ठीक ठाक है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल रही, तो मतलब समझ सकते हो कैप्टन भी है टीम के। और हेड टू 4 मैच 82 है, 20 के ओवर से बैटिंग करते हैं दोस्तों, बट विकेट नहीं है 4 मैच कोई भी, 3 मैच 22 रन इस ग्राउंड पे बट कोई विकेट नहीं है, थोड़ा सा रिस्की नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं बट यार बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल रही, पेसर है खास करके, रखना चाहते टीम में तो हम रखेंगे टीम में क्योंकि दोनों तरफ से इनको स्कोप है भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों का, तो टीम में तो रख लेंगे बट कैप्टन वाइज कैप्टन रिस्क नहीं होंगे। जो स्कोप की बात करते हैं 23, फिर बैटिंग नहीं, फिर यहाँ पे 3, फिर 23-0, फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं, फिर यहाँ पे दोस्तों 6 मैच में 61 रन 10 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 2 मैच में 16 रन ग्राउंड पे, तो यार ड्रॉप कर दीजिए जो स्कोप को। एंड अगेन बॉलिंग तो दोस्तों कभी कभी कराते हैं बट उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं, बॉलिंग कराएंगे कि नहीं करेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बॉलिंग करें, रिकॉर्ड अच्छा हो भी सकता है बॉलिंग करा भी सकते हैं, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टीम देखती है, डेविड वेली को बॉलिंग करा तो फिर विकेट भी मिलेंगी। सैफ जैप की बात करते हैं, 70, 15, 14, 37, 28 इनका रिसेंट है, हेड टू 4 मैच में 71, 14 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे 1 मैच 22 रन है, और देखिए इनको मैंने हमेशा टीम में लेकर दिया आपको, तो यार इस बंदे को फिर से टीम में रखूंगा, भले ही फ्लॉप है बट फ्लॉप नहीं होगा यार, 14 करोड़ से सामने टीम के केस में और ग्राउंड पे 1 मैच में 22 रन है, तो टीम में रखूंगा, 14 से 15, 20 रन भी अगर बनाते हैं और इस बंदे के पास एडवांटेज है बनाते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा कि इस प्लेयर को फर्स्ट इनिंग में रखूंगा, सेकंड में ड्रॉप करने के लिए सोचूंगा बट फर्स्ट इनिंग में जरूर रखूंगा। ये ध्यान रखिए जब हम वहाँ पे फिर जो विकेट कीपर को क्रिस लिन के साथ हमने विकेट वाइस कैप्टन किया उसको फिर वाइस कैप्टन नहीं करेंगे। लेविस सिमियन्स की बात करते हैं, 13 बैटिंग नहीं, यहाँ पे 29, फिर 9 इनका बैटिंग 19, बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर, ड्रॉप करके जा सकते हैं। टॉम टेलर देखिए रिसेंट अगर 5 मैच देख रहे 2 ही विकेट है, कुछ खास नहीं दोस्तों बट मैं ड्रॉप कर सकता हूँ इनको फिर से। एंड ट्राई की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे रिसेंट इनका अच्छा फॉर्म चल रहा है, पहले वाले में दोस्तों इनको कोई विकेट नहीं, बाकी सभी मैचेस में इनको विकेट मिली है, हाईस्ट भी 3 विकेट इन्होंने रिसेंट निकाले है। हेड टू हेड में जो दोस्तों 0 विकेट है बट ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज, 6 मैच में 16 विकेट है, ये ट्रंप रहेगा आपके लिए एंड ट्राई।
रिस्क अगर आप लेना चाहें कैप्टन वाइस कैप्टन को तो लेकर के जा सकते हैं। अगर दोस्तों फॉर्म बैक होता है ग्राउंड के अकॉर्डिंग तो मतलब आपका अल्ट्रा क्लीन स्विप होगा, चाहे वो ग्रैंड लीग हो दोस्तों चाहे स्मॉल लीग हो। फिर आप एंडर टाइप और क्रिस लिन का फर्स्ट लिंग में कॉम्बिनेशन दोस्तों कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो और प्लेयर रहने वाले जेम्स सेल्स, जो कि रिसेंट कुछ खास नहीं ड्रॉप कर जा सकते हैं। बेन सैंडरसन तो यार इस प्लेयर को तो रखना ही रखना है, एक मैच एक यहाँ पे फिर तीन विकेट रिसेंट फॉर्म है, हेड टू पांच में छह बट ग्राउंड पे तीन में दो ही है, ठीक है। फ्रेडी हेडर्स की बात करते हैं, देखिए 3-1-2-1 कंसिस्टेंट है, 4-4 हेड टू हेड में, ग्राउंड पे 2-1 है, दोनों को देखिए ग्राउंड पे थोड़ा सा कम हेल्प मिल रही है, बट दो में किसी एक को लेकर जाना चाहे तो ठीक है, बट दोनों को लेकर जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोनों को लेकर जाऊंगा। इस अगेन बात करते हैं जो और बेंच प्लेयर रहने वाला दोस्तों इस टीम के लिए उनके बारे में। इमोलो गए थे रिसेंट एक मैच खेल रहे हैं, 13 रन कुछ खास नहीं है, बैटिंग ऑर्डर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ग्रेम वाइट की बात करते हैं, देखिए हेड टू हेड में 7 मैच में 13 विकेट है, ग्राउंड पे एक मैच में 7 विकेट है, पर 3 मैच में 7 विकेट है, तो ग्रेम वाइट आपके लिए एक ट्रंप हो सकता है, अगर ये बंदा आता है तो रखने के लिए सोच सकते हैं, बट बॉलिंग क्लियर करेंगे उससे पहले। रोब कैप की बात करते हैं, रिसेंट 0 फिर यहाँ पर 2 रन एंड यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों इनका कंफर्म नहीं, बट हेड टू हेड एक मैच में 3 विकेट हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 7 मैच में 113 रन बनाए, 10 के बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पर 3 मैच में 57 और 70 रन के उससे बैटिंग करते हैं, बट दोस्तों इनका भी हम क्लियर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जब लाइनअप अनाउंसमेंट होगा टॉस हो जाएगा फिर रखना है कि नहीं रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे भाई देखिए आप भी लेट क्यों कर रहे हैं यार, आप लोग बैट बॉल उनको डाउनलोड कीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल बैट बॉल उनका दोनों का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और आ जाइएगा यहाँ पे लूडो वगैरह भी खेल करके आप पैसे आसानी से कमा सकते हैं। तो और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर इस एप्लीकेशन की भी टीम सभी एप्लीकेशन के साथ साथ मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे मेरी एक डेमो टीम देख लीजिए, फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली, तो आ जाइए। एंड उसके यहाँ पे देखिए क्रिस लिन और यहाँ पे आर वेस कोनेलिसिस को हम बनाने वाले हैं वाइस कैप्टन, ये चेंज करेगी टीम जब दोस्तों सेक जैप को हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है चलिए रख लेते हैं। डेविड वेली की बात करते हैं टीम में रखेंगे, एंडर टायर देखिए यहाँ पे बेस एंडरसन हेल्ड्रिज सोटर को हमने रखा है, बेन रहने और यहाँ पे मैंने कहा था कि बंदे का परफॉर्मेंस बढ़िया रख सकते हैं, लीज को हमने दोस्तों रखा हुआ है, बाकी कोई और चेंजमेंट होगा वो टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं इस टीम से। और दोस्तों डेमो है बट फिर भी ठीक है, मैं आपको तो चेसिंग में वाला कॉम्बिनेशन जरूर करने वाला हूँ। होप दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आए लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोगों को बताइएगा किस मैच की प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए, आप लोगों के डिमांड पर दोस्तों इस चैनल पर काम होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है खुद का आपका चैनल है गाइस, तो फिलहाल आप लोग जो है उस मैच को हम कवर करेंगे पूरी कोशिश दोस्तों और पूरा बेस्ट देने के लिए सोचेंगे। और मेरे भाई देखिए बताइए यार मैं कहाँ से हूँ, किस स्टेट से हूँ, कौन कौन जानता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल चलिए मित्र छोड़ में, जय हिंद जय भारत।